हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओरिजिन। स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। और आज हम आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण मैटर पर डिस्कस करेंगे। हमने स्टार्टिंग में आपको एक वादा किया था कि समय में आपके कोर्स कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। 100% सिलेबस हमने आपको कंप्लीट कर दिया। लेकिन हम एक और वादा आपसे किए थे, आपको याद है, हमने 2024 के एग्जाम को टारगेट 95+ के मोटो पर स्टार्ट किया था। और अब वो टाइम आ गया है कि कैसे हम 95+ मार्क्स गेन करें। तो एक बात आपको पता होगा, आप क्रिकेट 2020 देखते होगे तो आपको पता होगा कि सारा डिसीजन लास्ट के 1 या 2 ओवर में होते हैं। और आज हम उसी मोमेंट पर हैं। तो क्या करें, आज मैं आपके साथ पूरी प्लानिंग लेके आया हूं कि हम अपने बचे हुए टाइम को किस तरह से यूज करें कि हमारा 95+% का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो सके। नो डाउट, आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार होता है लास्ट मोमेंट में एग्जाम पर अच्छा करने का, वो है रिविजन। तो हम आपके लिए लेके आए हैं मेगा रिविजन। मेगा रिविजन का हमारा जो क्लास है, क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये बता दूं कि ये सभी सब्जेक्ट के होंगे आपके लिए, लेकिन आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ फिजिक्स पर, अपने फिजिक्स के सब्जेक्ट पर। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट के लिए भी हम आपसे कंप्लीट शेड्यूल डिसाइड करेंगे। तो देखिए, अब वो टाइम आ गया है कि हम अपने रिविज़न को इमीडिएट स्टार्ट करें और हर एक एक मोमेंट को आपको यूज़ करना है। क्योंकि बार बार ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरा सेशन आपने क्या किया, इससे कई गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने लास्ट मोमेंट में क्या किया है। मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि कई बार स्टार्टिंग में बहुत अच्छा करने वाले बच्चे रिविज़न अच्छा नहीं करने के कारण खराब रिजल्ट ले आते हैं, और कई बार स्टार्टिंग में थोड़ा जो अच्छा स्टार्ट नहीं किया वैसा स्टूडेंट भी लास्ट मोमेंट में अच्छा करके टॉप पोजिशन पर आ जाता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इस टाइम में आपको सबसे ज़्यादा इस टाइम को यूज़ करना है। मेरा चैलेंज है कि यदि आज से ही आप मेरे साथ में ईमानदारी के साथ रिविजन करते हो तो आप अपने टारगेट को पा सकते हो। मैं लास्ट आपके एग्जाम के पेपर के दिन तक हम आपके साथ हैं। पेपर के दिन तक भी हम आपको हिंट करेंगे कि हम किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करा सकें। तो मेगा रिविजन का हमारा जो शेड्यूल है ये मैं आज के साथ में आपके साथ प्रॉपर शेयर कर रहा हूँ। देखिए, ये हमने एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया है और बिल्कुल इसी शेड्यूल पर अब हम चलेंगे। ये शेड्यूल आपसे एक्सप्लेन करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि आप लोग क्लास में जब आओगे तो पूरे कंसंट्रेशन से जितने ड्यूरेशन के लिए क्लास होगा, सारे डिस्टरबेंस, सारे ऑब्स्टेकल, सारे अपने इधर उधर जो ध्यान जाता है सबको बंद करके एक बार आप क्लास में बैठोगे तो क्लास के एंड तक आप मेरे साथ रहोगे। मेरा चैलेंज है हर लेक्चर का एंड आपको उस चैप्टर में फुल मार्क्स गेन करने के लिए तैयार करके छोड़ेगा। आप यदि लेक्चर को लास्ट तक मेरे साथ में सुनते हो तो उस चैप्टर में आप पूरे मार्क्स गेन करोगे, ये मेरा वादा है। बस कंसिस्टेंसी के साथ आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। तो हमारा शेड्यूल ये है कि हम 13 जनवरी से हम ये क्लास स्टार्ट करेंगे और हमारा पहला चैप्टर होगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये क्लास हम इवनिंग में लेंगे, 6:30 में ये क्लास हम लेंगे और आपको रेगुलर उसका शेड्यूल मिल जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे, आपको मिलता रहेगा। आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे मिलेगा। तो 6:30 को सैटरडे को ये जो हमारा 13 जनवरी को क्लास होगा, यहाँ से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। और देखिए, आपके साथ हम बहुत मेहनत करने वाले हैं, कंटिन्यूस हमने क्लास शेड्यूल किया है। आप समझ सकते हैं कि हमारा कोऑपरेशन आपके साथ 100% है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब तक आप खुद को कोऑपरेट नहीं करोगे तब तक अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। और खुद को कोऑपरेट करना है, हर क्लास को अटेंड करना है और एंड तक एक एक लेक्चर को ध्यान से सुनना है। तो ये हमारा शेड्यूल है और हम कंप्लीट आपको अपने टेलीग्राम चैनल और सभी जगह शेड्यूल आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये देखिए, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नॉन स्टॉप हमारा क्लास रेगुलर चलेगा। और मैं आपको आगे बताता भी हूँ प्लानिंग की कैसे आपको करना है। ये फिर हमारे चैप्टर 23 तक, ये हमारे चैप्टर प्रत्यय और धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रकाश की, कंप्लीट प्रॉपर सिलेबस पर है जिस ऑर्डर पर हमने आपको पढ़ाया है।
ये 27 को हमारा रिविजन संचार व्यवस्था में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आपके साथ गेस्ट पेपर भी शेयर करेंगे, उसका शेड्यूल हम आपको बाद में बताएंगे कि कैसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो आपको क्लास में क्या करके आना है, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स यहाँ पर दे रहा हूँ, इन चीज़ों को आपको जरूर फॉलो करना है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि क्लास का लिंक आपको रेगुलर मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और आपको उसका रेगुलर लिंक मिलेगा। समय रहते आपको लिंक मिलेगा, आप प्रॉपर रेडी रहोगे, आप उस ड्यूरेशन को कम्प्लीटली, वैसे तो एग्जाम का टाइम है, आपको कंप्लीट अपने पर फोकस होना है, तो ड्यूरेशन आप अपने लिए बचा के रखोगे कि इस टाइम में मेरे को फिजिक्स का रिविजन करना है। सारे काम खत्म करके बिल्कुल आप घर के किसी एकांत जगह में बैठ के बिना किसी डिस्टर्बेंस के क्लास आप अटेंड करोगे। दूसरी बात, फुल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो लेक्चर आपको मिलेगा कंप्लीट उसका आपको नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, कंप्लीट नोट्स जो भी हमारा यहाँ पर लेक्चर होगा। बाय द वे, आप पूरे सेशन में ढंग से नोट्स नहीं बना पाए, आपके नोट्स इनकम्प्लीट हो गए, कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको बार बार ये बात याद दिला रहा हूँ कि कई स्टूडेंट्स मेरे से यहाँ क्लास में, लाइव क्लास में चैट में लिखते हैं कि सर मैंने अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं किया, क्या होगा, क्या सर मैं अभी कर सकता हूँ, तो क्लास डिस्टर्ब होगा करके मैं उस टाइम में ज़्यादा उसका रिप्लाई नहीं करता। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब जागो तभी सवेरा, अभी आपके पास जितना समय है सब कुछ करने के लिए पर्याप्त है। सिंगल डे में बहुत कुछ किया जा सकता है, अभी हमारे पास बहुत दिन है, बस आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ वर्क करना है। तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर पूरे पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, वो पीडीएफ आप डाउनलोड करके उसका तैयारी कर सकते हो। वन रिविजन बिफोर द वन स्टार्ट सेशन, एक आपको मेरा सजेशन भी कह सकते हो, मेरा एक रिक्वेस्ट भी कह सकते हो कि हर क्लास के पहले आप एक बार खुद से रिवाइज कर लो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जो हमारा वन शॉट क्लास होता है, रिवीजन क्लास होता है, वो थोड़ा स्पीड पर रैपिड होता है, तब तो हम एक क्लास में कंप्लीट कर पाएंगे। तो जो स्टूडेंट एक बार हमारे चैनल से उसके और क्लास को करके आता है तो उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट, मतलब जो प्री प्रिपेयर हो जाए, थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना भी बहुत बड़ी बात होती है कि एक बार आप सिलेबस पर कि मुझे आज ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ओके। और व्हाट्सएप चैनल हमारे और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लो, सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। तो बस आपको जाते जाते मैं ये बात फिर एक बार याद दिला दूं कि यदि आज से ही आप डिटरमाइन हो जाते हो तो मेरा चैलेंज है कि 95+ के टारगेट को हमारे चैनल का हर बच्चा अचीव करेगा, ओके। ऑल द बेस्ट।